दोस्तों, रूस का सस्ता तेल खरीदने की वजह से यूक्रेन पहले से ही भारत पर भड़का हुआ है और लगातार भारत विरोधी बयान देने से पीछे नहीं हट रहा। लेकिन अब यूक्रेन के विदेश मंत्री ने एक ऐसा बयान दे दिया जो कि काफी अजीब है, जिसके तहत यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने भारत पर बयान देते हुए ये बात कही है कि भारत आज के समय में सस्ता रूसी तेल सिर्फ इसलिए खरीद पा रहा है क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, वरना भारत को रूस सस्ता तेल कभी नहीं देता। इसीलिए भारत को आगे बढ़कर यूक्रेन की काफी बड़े पैमाने पर मदद करनी चाहिए ताकि हम जो रूसी तेल खरीद रहे हैं उसे यूक्रेन की मदद करके कंपनसेट कर सके। दोस्तों, आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो यूक्रेन के विदेश मंत्री अपने बयानों के जरिए भारत को ये बताना चाहते हैं कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला नहीं करता तो भारत कभी भी रूस से इतना सस्ता क्रूड ऑयल नहीं खरीद सकता था। इसीलिए वे चाहते हैं कि भारत यूक्रेन की काफी बड़े स्तर पर आर्थिक सहायता करे और उन्हें डोनेशन में कई मिलियन डॉलर की मदद भेजे ताकि यूक्रेन भारत द्वारा सस्ते रूसी तेल की खरीद पर शांत रह सके और इस पर ज्यादा बयानबाजी न करे। लेकिन यहां पर यह सवाल उठ सकता है कि आखिर भारत ने रूसी तेल खरीद कर कितने पैसे बचा लिए कि यूक्रेन भारत से इतने बड़े स्तर पर मदद मांगने के लिए तैयार हो गया है। तो इसका जवाब यह है कि भारत ने सस्ते रूसी तेल की खरीद कर लगभग 35,000 करोड़ रुपए तक का बचत हासिल की है, जो कि लगभग उतना ही अमाउंट है जितने में हमने रूस से 5 रेजिमेंट S-400 डिफेंस सिस्टम की खरीद की है। ऐसा इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि जहां एक तरफ खाड़ी देश अपने तेल को 90 से लेकर $110 प्रति बैरल की कीमत पर बेच रहे थे, वहीं पर आर्थिक प्रतिबंध लगने के बाद रूस अपने तेल को काफी भारी डिस्काउंट यानी कि लगभग 30 से लेकर 40% के डिस्काउंट पर भारत को सप्लाई करने के लिए तैयार हो गया, जिसके तहत भारत को रूसी तेल की कीमत $60 प्रति बैरल से लेकर $70 प्रति बैरल के बीच में आ रही थी, जिसकी वजह से भारत ने काफी बड़े पैमाने पर रूसी तेल खरीदा। बजाय इसके कि सभी पश्चिमी देश लगातार भारत पर दबाव बना रहे थे, भारत ने सभी की बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने हितों को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा की जरूरत पूरी की, जिसका फायदा हमें भारत की अर्थव्यवस्था में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। भारत की इसी आजाद विदेश नीति और मजबूत फैसले को देखते हुए यूक्रेन के मन में लालच जाग गया है, जिसके तहत पहले यूक्रेन सिर्फ भारत विरोधी बयान दे रहा था, लेकिन अब तो खुद यूक्रेन के विदेश मंत्री भारत से और ज्यादा मदद की डिमांड कर रहे हैं ताकि वह भारत द्वारा खरीदे गए रूसी तेल पर बयान ना दे। और सबसे रोचक बात तो यह है कि ऐसा भी नहीं है कि भारत ने यूक्रेन की कोई मदद नहीं की है। भारत ने ह्यूमैनिटेरियन एड के तहत यूक्रेन को कम से कम 12 शिपमेंट भेजे हैं, जिसके बावजूद यूक्रेन भारत से और मदद की डिमांड कर रहा है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि कैसे रूस के साथ संबंध जारी रखने की वजह से यूक्रेन भारत को एक विरोधी देश के तौर पर देखना शुरू कर चुका है और इसी वजह से धीरे धीरे यूक्रेन की तरफ से भारत विरोधी बयान खुलकर सामने आ रहे हैं। बहरहाल, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर भारत और चीन के द्विपक्षीय व्यापार की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जो कि भारत के लिए कुछ खास अच्छी नहीं है, बल्कि हम तो कहेंगे कि हमारे लिए चिंताजनक खबर है, जिस पर हमें अभी से ही काम शुरू कर देना चाहिए, वरना आगे जाकर हमको चीन को काउंटर करना काफी ज्यादा मुश्किल बन जाएगा। जिसके तहत आप अपने स्क्रीन पर आ रहे बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल को देख सकते हैं, जिसमें ये बात साफ तौर पर लिखी हुई है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत और चीन का द्विपक्षीय व्यापार 34% बढ़ गया है। वहीं इसके बावजूद कि 2020 में दोनों देशों के बीच में काफी बड़ा सैन्य विवाद हुआ और हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के त्वांग सेक्टर में हुए विवाद के बाद चीजें और भी ज्यादा खराब हो गई है, जिसका मतलब यह है कि तमाम सैन्य विवाद और खराब होते रिश्तों के बावजूद भी दोनों देशों के व्यापार ने 34% की ग्रोथ हासिल की है, जो कि भारत के लिए चीन के साथ अपने रिश्ते को मैनेज करना काफी ज्यादा जटिल बना देगा, क्योंकि इससे भविष्य में अगर चीन के साथ हमारे रिश्ते और भी ज्यादा खराब होते हैं और बात युद्ध तक पहुंचती है तो दोनों देशों का बड़ा द्विपक्षीय व्यापार भारत को चीन पर बड़ा एक्शन लेने से रोक सकता है, क्योंकि इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर बेहद ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और युद्ध की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था पर जो दबाव आ रहा होगा वह अलग से चीजों को और भी ज्यादा खराब कर सकता है, जिससे देश के अंदर आर्थिक हालात अनुमान से भी ज्यादा खराब हो सकते हैं, जो कि हमारे लिए चीन के खिलाफ एक्शन लेने की क्षमता पर असर डाल सकता है, जिसे हमें रोकना ही होगा। और ऐसा करने के लिए हमें धीरे धीरे करके चीन के साथ साल दर साल अपने व्यापार को कम करना होगा और इसी व्यापार को हम यूरोपियन देशों या फिर दूसरे मित्र देशों की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान नहीं होगा और हम चीन पर भी अपनी आर्थिक निर्भरता भी कम कर सकेंगे, जो कि हमारे लिए चीन के खिलाफ कोई एक्शन लेना आसान बना देगा। वहीं पर दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चीन के साथ हमारा द्विपक्षीय व्यापार जो कि लगभग $115 बिलियन का है, क्या हमें इसे कम करना चाहिए नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।